रहते, अपुन की एक बात का जवाब देगा क्या? अबे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ बहरे, सुनना। Yeah, now boss, tell me. I mean, what can I do for you? अगर अपुन का दिमाग खराब हुआ ना और कहीं मैं सर्वशक्तिमान गाय तोंडे बन गया ना, तो माँ कसम अपुन तेरे साथ कुछ ऐसा करेगा कि लोग गेटवे ऑफ इंडिया की जगह ना साला तेरे को देखने के लिए आएगा। इसलिए चुपचाप से ना है ना वाला वो बन जा रोहित मेरा, समझा क्या? I'm sorry, क्या हुआ गाय तोंडे, बोलो ना। अभी है ना तो लाइन पे। अच्छा मैं क्या बोलता है ना कि मेरे को ना एकदम एक मस्त वाला महंगा गाड़ी लेने का है, तो कहना ये कार वाला बोलता है कि तेरे को अगर महंगा गाड़ी लेने का है ना तो किसी ना गारंटर को ले गया। अभी तू क्या बोलता है, अपन किसका गारंटी ले? साला अपन तेरा गारंटी तो ले नहीं सकता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप तो किसी को भी कॉल कर दो, आपको तो कोई मना नहीं करेगा, आप तो गाय तोंडे हो, समझे क्या? एकदम सही बात बोला रे रोहित, नाना को कॉल करता है। हेलो नाना, मैं नवाज बोलता है। बोलना नवाज, क्या हुआ? हाँ नाना, अपन को क्या ना एकदम एक महंगा वाला गाड़ी लेने का है, तो अपन को ना तुम्हारा गारंटी चाहिए। तेरे को गारंटी चाहिए? कल को एमईटी यूनिवर्सिटी का बच्चा बोलेगा प्लेसमेंट की गारंटी चाहिए, मिलेगी क्या? बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से लॉयल्टी की गारंटी चाहिए, मिलेगी क्या? हाँ तेरे को गाड़ी की गारंटी चाहिए। मैं भी गया था अपनी वाली के पास में, उसको बोला मैं तुझसे प्यार करता हूँ, गारंटी देता हूँ। अरे वो पता है क्या बोली? अरे क्या है मोहब्बत? मैं भी बोला उसको, अरे क्या है मोहब्बत? मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन धनिया पुदीना अदरक अजवाइन, ना खाता हूँ ना पीता हूँ ना सोता हूँ ना जागता हूँ, सिर्फ एक गाना गाता हूँ। तुझे देखा तो जाना सनम, क्या बोली? क्या खाक जाना। मैंने भी सोचा अरे तू मुझसे प्यार नहीं कर सकती, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, और यहाँ पर बैठ के तू साला मेरे से गारंटी मांगता है। कंट्रोल होता है, नहीं दूंगा गारंटी। हाँ कंट्रोल। अरे डाडा अभी तेरे को गारंटी नहीं देने का मत दे, लेकिन डांटता काय को है अपन को? उसके माँ का ऐसा लग रहा ना साला कोई इसको चाबी भर के छोड़ दिया। रोहित अभी तू बोलना, अभी अपन किसको कॉल करेगा गारंटी के लिए? मेरे को आइडिया है, तुम ना फरहान को कॉल करो, तो बहुत अच्छा है, वो आपकी मदद जरूर करेगा। ऐसा क्या, ट्राई करता हूँ ना। हाय नवाज, टेल मी, कैसा है फरहान भाई? मेरे को ना एक गारंटी मांगता है। गारंटी? व्हाई नॉट, दिलों में बेताबियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम, नजरों में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रही हो तो जिंदा हो तुम। तेरे को गारंटी नहीं देने का है ना मत दे, लेकिन एक काम कर, ये साला जो तेरे गले पे ना मंजन का झाग फंसा है ना, इसको थूक गया, माँ कसम पूरे मूड का चीछा लेदर कर दिया ये। ऐसा नहीं हो सकता, सब कोई मना कर रहा है, लेकिन तू परेशान बिल्कुल नहीं होना, तो ना धर्म जी को कॉल करो, वो बहुत अच्छे आदमी। ऐसा क्या, चल अपन ट्राई करता है ना। धर्म जी, मैं नवाज बोलता है। कुत्ते कमीने हरामजादे, तुझे गारंटी चाहिए, लेकिन उसके पहले मुझे अपने बेटे सनी के लिए वोट चाहिए। अगर तूने मेरे बेटे को वोट नहीं दिया, मारते मारते मैं तेरा गाय तोंडे बाहर निकाल दूंगा, सुन रहा है ना तू? मैं तो खाली गारंटी मांग रहे लेता, लेकिन ये तो मेरा माँ बहन ने कर दिया। आप परेशान बिल्कुल मत हो, मैं बात करता हूँ आपके लिए, एक मिनट रुको। हेलो, कैसे हो अंकल? नवाज बहुत परेशान है, उनको गाड़ी के लिए आपकी गारंटी चाहिए, आप गारंटी दोगे ना? देखो बेटा रोहित, एक बात समझो, सबसे पहले दिमाग की बत्ती को जलाओ और सिसका लड़ी लगाओ, समझ लो। तो बेटा तुम्हारे नवाज को हम लोन की गारंटी तो दे दें, लेकिन गुरु कहीं अगर तुम्हारा नवाज नीरव मोदी और विजय माल्या के जैसे तीतर हो गया, तो गुरु सरकार हमारे पिछवाड़े पे धान की खेती कर देगी बे, अबे समझ लो ना, तो बेटा हमसे ना हो पाएगा। मान लो बात, हमसे ना हो पाएगा है? तुम भी बेटा ज़्यादा बड़ी मनावन हो गए, समझ लो, नहीं कंटाप मार देंगे, छुल से मुंह दोगे। कैसे? छुल से।
आप बहुत गंदे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा, कभी बात नहीं करूंगा। मुझको बोले तुम छुल से मुंह दोगे, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं मां। एकदम चुप, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मेरे को मालूम है खाली बच्चन साहब मेरी हेल्प कर सकता है। बच्चन साहब, मैं नवाज बोलता है, सुबह से परेशान है ना, आप उनके सर में दर्द हो गया है, मेरे को गारंटी चाहिए। ओ, कर लो बात। अरे भाई साहब, आपकी समस्या का हम तुरंत कर देते हैं। अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो तो अभी लगाइए हमारा नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कूल कूल, आपकी समस्या तुरंत आए तुरंत खत्म हो जाएगी। अरे बच्चन साहब, आप अपन का बात नहीं समझ रहे, मैं सुबह से इतना परेशान है ना, नाया धोया भी नहीं है, अब तो लगता है भगवान भी अपन का बात नहीं सुनेगा। अरे परेशान क्यों होते, हमारे पास हर समस्या का इलाज है। साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, बिनानी, सीमेंट, जाने क्या क्या बेचते हैं हम। बताइए, अब कहिए तो घर पे जो है भिजवा देता हूँ, पेमेंट पेटीएम से कर दीजिएगा या फिर सीओडी भी चलेगा। हाँ, हाँ। अरे बच्चन साहब, मेरे को कोई सामान नहीं खरीदने का है। कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, चद्दर ओढ़ के सो जाओ। मैं क्या करे, मेरे को लगता है ना मेरे को एक ट्राई मारने का चाहिए। शाहरुख भाई को कॉल करता है मैं, कहना वो किंग खान है। यार नवाज, टेल मी। ओके। अरे क्या हुआ शाहरुख भाई, आपको ठंड लग रहा है क्या? चुप। हाँ? अरे किस बात के लिए लोन चाहिए तुम्हें? हाँ? किस बात के लिए? अरे यार तुम तो अच्छा खासा कमाते हो, और वैसे भी मेरी अम्मी जान कहा करती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यह भी कहा करती थी कि चादर में पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितने के पैर लंबे हो। और आज अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको देखते हुए और ढेर सारे लोग भी इसी तरह की गारंटी मांगेंगे, जरूरत से ज्यादा ख्वाहिशें बढ़ाएंगे। कोशिश करो, जितना है उसमें खुश रहो। सही कहा ना? मेरे को लगता है ना कि अपन को कोई गारंटी नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग को ये वीडियो कैसा लगा ना मेरे को कमेंट करके जरूर बताने का, समझा क्या? और मेरे को ना इंस्टाग्राम पर भी तुम लोग फॉलो कर सकता है, ऐसा मैसेज करने का और मेरे को बताने का, इधर पे, समझा क्या?